अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 43 एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रॉब्लम 47। वो कहता है कोयला बर्न करता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन C+O2 जिसे CO2 कहते हैं। वो कहता है जो हीट ऑफ कम्बस्टन है 3.3 × 10⁻⁷ जूल पर केजी है। अब वो कहता है जी एक्सप्रेस करो एनर्जी पर कार्बन एटम, फिर वो कहता है एक्सप्रेस करो एनर्जी पर किलोग्राम, इसके इनिशियल रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन है। फिर वो कहता है ज्यूम करो सूरज का मैस इतना है और वो बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है 3.9 × 10⁶ वाट से, कितनी देर सूरज रहेगा अगर इसी तरह वो एनर्जी रेडिएट करता रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, कार्बन की तादाद हम 1 kg के लिए ले लेंगे, इसका एटॉमिक मास पता है, सारे को लेंगे 5.02 × 10⁵। अब हीट ऑफ कम्बस्टन पर एटम निकालनी है, क्योंकि हमने केजी क्यों लिया, क्योंकि हमें जो हीट ऑफ कम्बस्टन है वो केजी में दी गई थी, पर केजी तो उसको रेशियो उठा लेंगे इसके साथ टोटल तादाद के साथ, तो ये आपके 6.58 × 10⁻¹ जूल पर एटम आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी। सेम अब हमने देखना है कि जी टोटल मास कितना हो जाएगा, कार्बन एक है CO2 है ना, तो ऑक्सीजन दो है तो डबल से जरब हो जाएगी, तो ये इसके जो टोटल मास आ जाएगा 7.31 × 10⁻²। तो एनर्जी प्रोड्यूस जो मास पर यूनिट मास ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है वो हमने निकाल ली थी, तो इसे इसकी तादाद से डिवाइड कर देंगे 9 × 10⁶ जूल पर केजी आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि सन चुके कंपोज क्या हमने अप्रोप्रिएट यानी मिक्स से लिया कार्बन ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ कम्बस्टन इवेंट जो होंगे, टोटल एनर्जी हमें टोटल मास पता है, हमें उसके टोटल पता है मास जो रिएक्टेंट का है वो हमने निकाल लिया था CO2 का, तो वो आपके पास 2.74 × 10⁵ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल एनर्जी है 2.74 × 10⁵ को, यानी तादाद जो नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उनकी टोटल एनर्जी से, तो ये 1.8 × 10⁻³⁷ जूल आ जाएगी। अब हमें टोटल एनर्जी पता है, पावर पता है, टाइम फैक्टर निकाला जा सकता है, दोनों की रेशियो ले लेंगे, तो ये 4.62 × 10⁻¹० आ जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 1.46 × 10⁻³ ईयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।